अगर आज अंकिता भंडारी के साथ न्याय नहीं मिल रहा है तो महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है। इतना विरोध किया कांग्रेस ने, परिणाम तो कोर्ट में है और बीजेपी के लोग उसमें लिप्त हैं। चाहे राहुल गांधी जी पूरे देश में जाकर लड़ रहे हैं, वो कहते हैं सामाजिक न्याय की बात कीजिए, आर्थिक न्याय की बात करते हैं, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। दुख होता है, यह दुख का विषय है। सिर्फ दुखी होगा या कुछ कारण आप जानेंगे कि आखिर क्यों? नहीं नहीं, मुझे कारण जानने का टाइम नहीं है। वो उनसे पूछे कि भाई वो उनके मन में क्या था, क्यों हो गए। लोकसभा चुनाव सन्निकट है, प्रथम चरण में उत्तराखंड में मतदान होना है और उसी के चलते अब राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से फील्ड पर उतर चुकी है। तमाम जो चुनाव प्रचार प्रसार होना था उसको लेकर के डोर टू डोर कैंपेनिंग अब राजनीतिक पार्टियां जो है शुरू कर दी हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज कांग्रेस पार्टी के जो लोकसभा उम्मीदवार हैं ज्योति सिंह गुनसोला जी, वो अभी यमुना घाटी के बड़कोट में आए हैं। इनसे जानेंगे इन्हीं की जवानी किस तरह की तैयारियां ये कर रहे हैं और क्या कुछ चुनौतियां इनको है। गुनसोला साहब, आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी क्या, आप उम्मीदवार के रूप में उतर चुके हैं मैदान में, कितनी चुनौतियां लग रही हैं आपको? चुनौतियाँ धीरे धीरे कम होंगी, सवाल जवाब होंगे। मैं तो एक आंदोलनकारी साथी हूँ, पहले मैं आंदोलनकारी शहादतों को नमन करता हूँ, तिलाड़ी कांड के उन शहीदों को नमन करता हूँ ना, और श्रीदेव सुमन को मैं नमन करते हुए अपना प्रणाम करता हूँ। नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी जिन्होंने अपनी जान दी, शहीद हो गए, श्रीदेव सुमन को नमन करते हुए हम ये बीड़ा चल दिए हैं। और अब मुद्दे सिर्फ एक या दो नहीं है, सवाल लगभग बहुत लंबी फेरिस्त है कि मोदी सरकार से हर आदमी पूछे, हर कार्यकर्ता पूछे, आम जन पूछे, लगभग 168 सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कौन सा सवाल नहीं, किसके लिए जिम्मेदार नहीं। अगर आज अंकिता भंडारी के साथ न्याय नहीं मिल रहा है तो महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है, इसका सवाल का जवाब सरकार से पूछा जाएगा। नहीं तो इसके लिए तो कांग्रेस भी विपक्ष में है, कांग्रेस को भी पुरजोर विरोध करना चाहिए। तो उधर परिणाम क्या हुआ? इतना विरोध किया कांग्रेस ने, परिणाम तो कोर्ट में है और बीजेपी के लोग उसमें लिप्त हैं। और इतना ही नहीं है, है ना, उसको उसके परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसी अंकिता पत्नी कितनी अंकिता भंडारी होंगी जिनके साथ ये अन्याय हो रहा है। तो आज अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे राहुल गांधी जी पूरे देश में जाकर लड़ रहे हैं, वो कहते हैं सामाजिक न्याय की बात कीजिए, आर्थिक न्याय की बात करते हैं, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं, और साथ ही जो है किसान जो आज MSP के लिए लड़ रहा है उसकी बात करते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो MSP किसानों को देंगे। अच्छा अच्छा गुनसोला जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि अचानक से टूटन होने लगी कांग्रेस में, कई दिग्गज आपके जो है भाजपा का दामन थाम लिए, क्या कहेंगे आप? दुख होता है, यह दुख का विषय है। सिर्फ दुखी होगा या कुछ कारण आप जानेंगे कि आखिर क्यों? नहीं नहीं, मुझे कारण जानने का टाइम नहीं है। वो उनसे पूछे कि भाई वो उनके मन में क्या था, क्यों हो गए, इस पर तो मैं कमेंट। अच्छा, यदि भविष्य में निकाय चुनाव हैं और साथ में विधानसभा के भी चुनाव होंगे, अगर उनकी वापसी होती है, घर वापसी, उस समय क्या स्टैंड रहेगा? कोई वापसी नहीं होगी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ये पार्टी का नेतृत्व का निर्णय होगा कि वो क्या करते हैं। लेकिन हमारा हमसे अगर पूछा जाएगा तो हम कहेंगे जो संघर्ष के समय में, बुरे समय में, जिस समय पार्टी को हर साथी की जरूरत है, कार्यकर्ता की जरूरत है, जनता की जरूरत है, उस समय लोग मैदान छोड़ के जो है भाग गए। तो ये अच्छा क्षेत्रीय मुद्दों पे आते हैं, बेरोजगार को लेकर के जो है तमाम यहाँ पर जो है दावे किए गए कि बेरोजगारों के समर्थन में ये किया जाएगा। बॉबी पवार भी प्रत्याशी के रूप में जो उतरे हैं और सिर्फ उनके मन में अगर टीस है तो ये इसी बात की है कि बेरोजगारों के साथ कहीं ना कहीं छलावा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी किस नजरिए से देखती है? कांग्रेस पार्टी हर नौजवान को पहली प्राथमिकता है कि उस नौजवान को रोजगार से जोड़ा जाए। ये सरकार ने 10 साल में इनसे पूछा जाए कि कितने, अरे भाई जो बेरोजगारी का आंकड़ा ही नहीं दे पा रहे हैं, उस दफ्तर ही बंद कर दिया, सांख्यिकी में नहीं जुड़ पा रहे हैं, अरे भाई आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? आपने तो चौराहे पर कहा था कि ये मोदी की गारंटी है, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, ये कहा था, आप सबके सामने की बात है। उन्होंने यही मोदी जी ने कहा था मैं काला धन लाऊंगा और नहीं ला पाया तो 100 दिन में मुझे जो है फांसी पर के फंदे पर लटका देना, ये सबके सामने की बात है, मैं मेरा बयान नहीं है, ये था ना, तो कौन सी चीज हो गई भाई।
नहीं तो इसका विरोध क्या प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते आप लोगों ने किया और उसकी परिणति क्या हुई? परिणति क्या, हम तो विरोध आज भी कर रहे हैं और इंडिया अलायंस के साथ खड़े होकर जो है अब तो ये स्थिति बन चुकी है कि सत्ताधारी पार्टी को अपने किए हुए पर शायद पछतावा हो ना, वो जनता पछताएगी और जनता निर्णय लेगी। तय है कि टिहरी लोकसभा से पहला परिवर्तन शुरू होगा और दिल्ली और पूरे देश के अंदर परिवर्तन की लहर है मेरे दोस्त। और हमने भी कहा है, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को कहा है कि जब आप इंडिया अलायंस की सरकार में बैठेंगे तो भाई इस तरह से मन की बात मत करना कि मैं तो मन की बात करता हूँ, तुम्हारी बात मैं नहीं करता हूँ। अच्छा, केजरीवाल जी को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, एक चलते चलते आपका बयान जानना चाहूँगा एज ए कांग्रेस पार्टी। बहुत ही दुखद है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स 25 तरह की चीजें जो है ये सरकार उनका इस्तेमाल कर रही है और सरकार भी कब इस्तेमाल कर रही है, जब चुनाव सर पर है, अधिसूचना जारी हो चुकी है। अधिसूचना जारी होने के बाद इस तरह की स्थितियां पैदा की गई हैं कि एक ठीक है, आज भी पूरा दुनिया जान रही है कि किस तरह से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, आईटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सबके सामने। और अभी तो इतने ही हुए हैं, अगर फिर तुम तीसरी बार इनको सत्ता देते हो ना तो एक नहीं बच पाएगा, नेता तो बचेगा नहीं और जनता इनकी कुरीतियों से खत्म हो जाएगी। आज देश विभाजन के कगार पर है, संविधान की रक्षा की बात हो रही, लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही है, धर्म निरपेक्षता की बात हो रही है जो कि संविधान में लिखा गया है जिसके तहत हम लोग चल रहे हैं, लेकिन कहाँ उसका स्वरूप बदलने की बात हो रही है क्योंकि 400 पार कैसे हो जाएंगे 400 पार। चलिए चुनावी माहौल पे बात कर लेते हैं चलते चलते। गुनसोला जी, एक तरफ रानी जी, एक तरफ आप भाई, एक लाइन में ये लड़ाई प्रजा और राजा के बीच में, रानी एक है प्रजा अनेक है, ये उनका सवाल। धन्यवाद गुनसोला जी। तो ये थे ज्योत सिंह गुनसोला जी जो कि जो है कांग्रेस से सांसद के प्रत्याशी हैं और टिहरी लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनके द्वारा तमाम कटाक्ष किए गए भाजपा पर, ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और कहीं ना कहीं जो बेरोजगार हैं उनके साथ छलावा हो रहा है और उन्हीं को लेकर के ये मैदान पर उतरे हैं, उनको लेकर के काम करेंगे, विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले है इनका निर्वाचित हो जाना। हालांकि राजनीति का ओठ किस करवट बैठेगा ये भविष्य की गर्त में समाहित है। ओंकार बहुगुना, उत्तरकाशी, उत्तराखंड तक।